हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है दिन संडे और मेरा हो गया है काम घर का सारा। आज पिछले की संडे की तो छुट्टी है स्कूल की और मैं अब बैठा हूँ अपनी मशीन में काम करने। सूट सिलना है मुझे और टाइम हो रहा है पौने टाइम हो गया है और मैं सिर्फ ये वाला सूट ये मैंने कटिंग करके रखा था, मतलब थोड़ा बहुत इसका गला भी बना ही रखा है। ये देखो ये वाला सूट सिल रही हूँ, इसका मैंने ये गला सिल रखा है पीछे का, बस इसको ऐसे फोल्ड करके धुलाई कर देना। अब बाहर तो मौसम खराब है, आज भी बारिश हो रही है। और इसकी शैतानियां चालू है, सबके बच्चे ऐसे परेशान करते होंगे है ना। ये मेरी बेटी मुझे इतना परेशान करती है, पता नहीं उसकी वहां क्यों घुस के बैठ गई। बेटा गिर जाएगी वहां से ऊपर आ। ये मैंने गला बना के इसके कंधे जोड़ दिए हैं, अब इसे साइड की सिलाई लगाऊंगी, कुर्ता कंप्लीट करूंगी। और आप लोगों को अगर मेरी सिलाई के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जो भी मेरे चैनल में नया आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ मेरे वीडियो को भी शेयर करो। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ लेकिन कोई देखता ही नहीं है, ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। और मेरी बेटी को देखो क्या कर रही है, आँख मत फोड़ दियो। तू ये क्या कर रही है, मारूंगी। हाँ लग जाएगी बेटा, ऐसे गंदी बात नहीं करते, गंदे काम नहीं करते कुछ भी। बता पेंसिल से काजल लगा रही है, कुछ भी लग जाएगी बेटा। नहीं गंदी बात नो गंदी बात। बड़ा परेशान करती है, क्या करूं, मानती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। जो ही फोन में देखेगी, जो ही वो करेगी, बस ऐसी लगी रहेगी। बताओ ये देखो फिर भी नहीं मान रही। आँख में लग गया ना तो बस पेंसिल से होमवर्क नहीं करना, ये उल्टे उल्टे काम करने। होमवर्क कर ले, सूट की सिलाई हो गई है। अब इसने बाजू लगाने रह गए, बस बाजू लगाने रह गए हैं। और अब मैं इसकी चाक फोल्ड करती हूँ, इसमें मैं तुरपाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सीधा डायरेक्ट सिलाई लगाती हूँ। ये देखो ये सूट के चाक होते हैं ना, ये साइड में होते हैं जो, इनमें मैं सिलाई लगा देती हूँ। वैसे तो मैं तुरपाई करती थी लेकिन अब की बार मैं सिलाई लगा देती हूँ, ऐसे फोल्ड करके सीधा सिलाई लगा देती हूँ। ये देखो ये मेरा कुर्ता बन के तैयार हो गया। तैयार क्या मतलब, अभी बाजू लगाने के लिए तो रह रहे हैं, बाजू रह गए, बाकी बन गया। बाकी गला तो मैं बिना बुकरम का ही बनाती हूँ, बस इसको ऐसे फोल्ड करना है और तुरपाई कर देनी है बस, और बाजू लगाने हैं।
और देखो ये कुर्ता तैयार है। ये नीचे भी मैंने चाक में सिलाई लगा दी, जैसे कुर्ते में सिलाई लगी रहती है ना ऐसे ही लगा दी। वैसे तो मैं तुरपाई करती थी लेकिन अब की बार मैंने सिलाई लगा दी। ऐसे करके तुरपाई ये हो गया मेरा सूट बनके तैयार। ये ऐसे बाजू लगाए, ऐसे वाले बाजू बनाए, तुरपाई भी हो गए। और ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। एक कुर्ता बनाया, ये प्लाजो।